ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया और आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि बेखौफ होकर मतदान करने की अपील की। आचार संहिता के निर्देशों के परिपालन में जिला पुलिस बल दुर्ग ने कंट्रोल रूम भिलाई में जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं चौकी प्रभारी की बैठक लेकर चुनाव प्रक्रिया एवं चुनाव संबंधी दिशा निर्देशों के पालन करने के संबंध में पुलिस अधीक्षक दुर्ग शलभ कुमार सिन्हा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर संजय कुमार ध्रुव के द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसके बाद शहर के सभी थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक दुर्ग बाइक से शहर में घूमकर आम जनता को चुनाव में निर्वाहिक होकर मतदान करने की अपील की। आपको बता दें कि फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम 7 मिलियन टन चौक सेक्टर 6A मार्केट प्रदर्शनी अंडर ब्रिज सुपेला से होकर दुर्ग शहर से गुजरते हुए वापस पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचकर समाप्त हुआ। पहले से ही कार्रवाई हमारी चल भी रही है, आचार संहिता लागू हुई है तो उसके संबंध में ही चर्चा करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को बताया गया था क्या करना है, क्या किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है और साथ ही साथ बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए और एक सुरक्षित माहौल बनाने के लिए क्या उपाय करने उनके संबंध में चर्चा की गई और निर्देश दिया गया। और उसके बाद एक बार शहर में जस्ट एक मैसेज देने के लिए एक फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है ताकि लोगों के मन में भाव रहे कि पुलिस जो है अलर्ट है और उनके बीच उपस्थित। आम लोगों के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा? अच्छा, आम लोगों के लिए यही मैसेज है कि निडर होकर निष्पक्ष तौर पर चुनाव में भाग लें और सब अपने घर से निकल करके मतदान अवश्य करें और दुर्ग पुलिस और दुर्ग प्रशासन जो मतदान का प्रतिशत है उसको बेहतर बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप भी हमारे प्रयास में भाग लें। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।